माइक माइक मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉयज लॉ। तो आप एक कॉपी अपने सामने रखिएगा, ठीक है? जो भी चीजें मैं लिखूँ, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने नोट करने हैं लाजमी। तो सबसे पहली हेडिंग जो हम पुट कर रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ। अच्छा, अब देखें, बॉयल्स लॉ को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें आपके पास एक कंटेनर है, चलिए यहीं पे बना देते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे हम फिर इसके साथ ही। एक कंटेनर है, एक क्लोज कंटेनर, और इस पे एक एयर टाइट पिस्टन भी लगा हुआ है, ठीक है? एक एयर टाइट पिस्टन हमने प्रोवाइड किया हुआ है, एक आपके पास कंटेनर है, और इस कंटेनर में गैस इनक्लोज्ड है। इस कंटेनर में क्या इनक्लोज्ड है? गैस। अच्छा, अब देखें, जब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो जो इनिशियल रीडिंग्स होते हैं वो हम लिखते हैं। अब इनिशियल रीडिंग्स यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली चीज, अगर हमने पिस्टन प्रोवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे यकीनन इस पिस्टन पे कुछ प्रेशर भी अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कितना प्रेशर हम एग्जर्ट कर रहे हैं उसको हम नाम दे देते हैं, लेट सपोज पी, ठीक है? ये यहाँ पे इस पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से जो इसका वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनिशियली, अच्छा एक्सपेरिमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें, लेट पी वन और वी वन इस तरह से बात कर लेते हैं, पी वन, और यहाँ पे जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको नाम दे देते हैं V1। अच्छा, गैस का कुछ टेम्परेचर भी होगा, तो गैस का जो टेम्परेचर है, लेट सपोज उसका नाम हमने दे दिया T1। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम कुछ प्रेशर इंक्रीज करें, तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? अच्छा, अब पिस्टन जब नीचे की तरफ आएगा तो गैस के साथ क्या हो रहा होगा? गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है? एक दूसरे के करीब आएंगे। गैस कंप्रेसिबल है, ये तो आपको पता है कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस होते हैं। तो अब गैस कंप्रेस होगी, गैस कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बॉयज लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम इनका रिलेशन देखा जाता है। टेम्परेचर को इसमें हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, सर्टेन कंडीशंस प्रोवाइड करके हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को हम देखेंगे। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में, ये भी मैं यहाँ से फिगर रब कर दूंगा, सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बॉयज लॉ में हो क्या, होने क्या वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड मूव करके आएगा, और प्रेशर जो है, लेट सपोज अब इसकी वैल्यू है P2, और अब वॉल्यूम डिक्रीज होके जितना पहले था उससे कम रह गया, नाउ द वैल्यू इज V2, ठीक है? और टेम्परेचर क्योंकि इसमें कांस्टेंट रहता है तो उसको हम T1 लिख देंगे, बात समझे? कुछ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब देखें हमने देखा क्या, जब पिस्टन डाउनवर्ड मूव हुआ, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, ठीक है? प्रेशर को इंक्रीज किया तो पिस्टन की मूवमेंट डाउनवर्ड हुई। अब प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, कम हो गया, और यही होगा। फर्दर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम और डिक्रीज होगा। तो इससे पता क्या लगा? देखें दो क्वांटिटीज, उनको जब हम कंपेयर करते हैं, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें और उसके साथ दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो, तो रिलेशन क्या बनता है? इनवर्स रिलेशन बनता है। तो इफेक्ट किस पे आ रहा है? इफेक्ट वॉल्यूम पे आ रहा है, और हम चेंज किसे कर रहे हैं? हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बॉयल्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वो जिस कंक्लूजन पे पहुंचा, वो स्टेटमेंट ये है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ टेम्परेचर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट। बात समझे? जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने आया उसे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं ना, यही स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर यहां पे मैं लिख भी दूंगा, वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। तो ये मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे। तो स्टेटमेंट इसकी ये है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। ठीक है, जो फिगर मैंने बनाई थी, जो स्टेटमेंट आपको मैंने दी, वो मैंने यहां पे लिख भी दी। अब इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहां पे बॉयल्स हमें क्या बता रहा है, वॉल्यूम इसको हम वी से लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्स रिलेशन है तो वन अपॉन करके लिखते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, अब यहां पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो यहां पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वी इक्वल का साइन, और यहां पे कांस्टेंट, और आगे आपने क्या लिख दिया, वन ओवर पी। पी यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी यहां पे आ जाएगा, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट यहां पे बचेगा, तो यहां पे लिख देते हैं पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने एक फिगर बनाई थी, एक डायग्राम थी आपके सामने, उसमें हमने वैल्यूज को चेंज किया था, T1 को तो छोड़ दें, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सेट था उसमें P2 V2, ये दूसरी रीडिंग थी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए तीसरी रीडिंग भी आ सकती है, चौथी रीडिंग भी आ सकती है, एंड सो ऑन, जितनी भी रीडिंग लें, तो जितनी भी रीडिंग लेंगे वो यहां पे पुट करते जाएंगे, सबका आंसर एक ही आएगा, सबका आंसर एक ही आएगा। हम किसी भी सेट में प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी, इसीलिए इसे हम कह रहे हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जो चेंज ना हो। तो फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ रीडिंग हम ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है इसको लिख सकते हैं P1V1 इक्वल्स टू P2V2 इक्वल्स टू P3V3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट, सबके सब इक्वल होंगे ये। ठीक है, तो यहां पे हम लिख भी देते हैं फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ रीडिंग द अबव रिलेशन कैन बी रिटन एज, या बॉयल्स लॉ कैन बी रिटन एज, बॉयल्स लॉ कैन बी गिवेन एस। तो इसको हम लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू सो ऑन। ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सब के सब कॉन्स्टेंट होंगे, सब के सब इक्वल होंगे, बात समझ में आई है? ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको ये समझाया है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी बात है ये। इसमें ग्राफ भी बनता है क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है और डिफरेंट सेट्स ऑफ रीडिंग्स हैं आपके पास, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं
तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा वो आप जरा देखते हैं। यहां पे वाई एक्सिस पे आप वॉल्यूम को रखेंगे और एक्स एक्सिस पे प्रेशर को। तो ये इस तरह से करके हमने लेट सपोज यहां पे प्रेशर और यहां पे वॉल्यूम। अच्छा देखिए, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ये क्या लिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक में इसी तरह से फर्स्ट ईयर में दो तरह के रिलेशंस हैं, एक डायरेक्ट रिलेशन है और एक इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, याद रहेगी ये बात, आपको पता भी है। डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलती है, जबकि इनवर्स रिलेशन, इसको जब आप डिस्क्राइब करते हैं ग्राफ में, तो हमेशा एक कर्व लाइन मिलती है, हमेशा एक कर्व लाइन मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, सपोज करें हम एक कर्व लाइन बनाते हैं, अब क्योंकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज तो है नहीं अभी और ना ही ये ग्राफ पेपर है, तो सपोज करें कि हमारे पास कुछ ये कर्व लाइन आ गई, ठीक है, हमने प्लॉटिंग की और कर्व लाइन आई। अच्छा, अब तीन या चार रीडिंग्स होंगी, जब भी तो प्लॉटिंग की है आपने, अब ये जो तीन चार रीडिंग्स हैं वो किस तरह से हैं, देखें। लेट सपोज पहली रीडिंग आपने प्लॉट की पी वन वी वन, अब जरा गौर कीजिएगा, देखें यहां से ये पी वन और यहां से आप इस तरफ आएंगे तो ये वी वन आपके पास है, ठीक है, यहां पे आप देखते हैं इट इज पी वन वी वन। अच्छा, सेकेंड रीडिंग आपके पास, लेट सपोज यहां पे आपने प्लॉट की थी, ठीक है, ये फर्स्ट रीडिंग है सेकेंड। अब सेकेंड रीडिंग आप कहां पे आ गए, ये देखें इस तरह से करके, नाउ इट इज पी टू एंड वी टू, ऐसे कर लें पी टू एंड वी टू। फिर इसी तरह से यहां पे एक और थर्ड रीडिंग आप कंसिडर कर लें, ये आपके पास है पी थ्री और ये वी थ्री, ठीक है, इस तरह से करके। अब देखिए, ये जो आपने ग्राफ बनाया ना, इससे अब बात और क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर होगी, जरा गौर कीजिएगा, यहां पे प्रेशर ये देखें ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। पहली रीडिंग में आप देख रहे हैं जो प्लॉटिंग हमने की, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू देखें और वॉल्यूम की वैल्यू देखें, ये वॉल्यूम है जबकि प्रेशर ये चल रहा। जब हम सेकेंड रीडिंग पे गए और प्रेशर डिक्रीज किया, पीछे आ गए ना आप सेकेंड रीडिंग में, पी टू पी वन पे आगे थे, पी टू पे पीछे आ गए, जब हमने प्रेशर को डिक्रीज किया है तो वॉल्यूम बढ़ गया। सेकेंड रीडिंग में हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जब प्रेशर को हमने डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज। फिर उसके बाद थर्ड रीडिंग में देखें, तीसरी वैल्यू जो आपको मिल रही है, प्रेशर हमने फर्दर डिक्रीज किया, जब प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया। अब रिवर्स में अगर चलें, रिवर्स में जाएं, तो जब प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर और इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम और डिक्रीज होगा। ये होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा एक कर्व लाइन ही मिलती है आपको। ये बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है ये बात? कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ भी सकते हैं, ये कॉपी कर लें, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ये आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और जब नोट कर लें तो थम्ब अप कीजिएगा ताकि हमें पता लग जाए कि आपने नोट कर लिया। वेल, मैं यहाँ से हेडिंग चेंज कर रहा हूँ, बॉयज लॉ की जगह अब हम लिखेंगे चार्ल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है।
अच्छा, जैसे अभी मैंने फिगर बनाई थी, फिगर दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। अब 400 को समझेंगे फिगर, फिर रब कर देंगे हम। आप चाहें तो ड्रॉ कर लें अपने पास याद दहानी के लिए। अब देखिए, हमारे पास अब सेटअप उसी तरह से है कि एक हमारे पास क्लोज कंटेनर है, और इस क्लोज कंटेनर में यकीन पिस्टन है, इसीलिए हम इसे क्लोज कंटेनर कह रहे हैं, और इसमें गैस इनक्लोज्ड है, इसमें गैस इनक्लोज्ड है। तो इनिशियली जो गैस का वॉल्यूम है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1, सपोज कर ले, हमने इसको नाम दे दिया। अच्छा, अब जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं P1, और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो क्या है, T1, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल पैरामीटर। अच्छा, अब हमने करना क्या है, करना यह है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। देखिए, याद रखें एक चीज, अपने जहन में रखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम पे इफेक्ट देख रहे हैं बारी बारी, ठीक है। बॉयल्स ने क्या किया था कि वॉल्यूम पे प्रेशर का इफेक्ट देखा उसने, तो उसने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दिया। कॉन्स्टेंट क्यों किया था, क्योंकि टेम्परेचर का भी इफेक्ट है उसके वॉल्यूम पे, तो दोनों चीजों का इफेक्ट है, तो एक को कॉन्स्टेंट कर दिया, ठीक है, ताकि दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल एग्जैक्टली देखा जा सके। अब जो चार्ल्स लॉ है, इसमें चार्ल्स क्या कर रहा है, इसमें चार्ल्स जो है इसी वॉल्यूम पे टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी कर रहा है, तो वो क्या करेगा फिर, यकीनन प्रेशर को कांस्टेंट करेगा, प्रेशर को किसी एक वैल्यू पे रोकेगा, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर करके देखेगा कि वॉल्यूम पे क्या इसका फर्क आ रहा है। तो इसी तरह से उसने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, डेली लाइफ में भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा समर सीजन में, गर्मियों में जो टायर की ट्यूब्स होती हैं वो ब्रस्ट करती हैं, टायर ब्रस्ट करते हैं, फटते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में। अब टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो गैस है ट्यूब्स के अंदर वो एक्सपेंड करती है, ठीक है। एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसका। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो फिर वो वॉल्स पे प्रेशर भी एग्जर्ट करती है, तो फिर का रिजल्ट क्या आता है कि अमूमन टायर्स हैं वो फट जाते हैं, ब्रस्ट करते हैं। सैलेंडर्स, ठीक है, उनमें भी इसी तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं, सैलेंडर फटने के जो केसेस है वो भी गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, उसकी रीज़न भी यही है। अच्छा, आपने नोट किया होगा जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह, उसमें बलून्स इन्फ्लेट करते हैं, गुब्बारे जो है वो फुलाते हैं, तो अच्छा वो लगे हुए जब लोग आना शुरू होते हैं, ठीक है, वो कमरे में जब लोग अच्छे खासे आ जाते हैं, तो वो एक आध जो है ना वो बलून फटने लगता है, फिर दूसरा फट जाएगा, तीसरा खुद ब खुद फटने लगते हैं, ऐसा होता है ना, ये एक एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो होता क्यों है ऐसा, क्योंकि जब लोग आते हैं तो बॉडी का अपना एक टेम्परेचर है, ठीक है, तो हीट डेवलप होती है रूम में, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो बलून जो है वो क्योंकि एक थिन लेयर होती है, इन्फ्लेटेड होते हैं, उनमें गैस जो है वो भरी हुई होती है, तो वो जो है ना फिर क्या क्या गैस क्या करती है, अपने वॉल्यूम को बढ़ाती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस अपने वॉल्यूम को क्या करती है, बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी। तो ये डेली लाइफ में भी हम ये चीज़ें देखते हैं, और यही चीज़ यहाँ पे भी है, इसी को हम स्टडी कर रहे हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा किसी भी गैस का तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, फर्दर इंक्रीज करेंगे फर्दर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जबकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो अब देखें, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी भी इंक्रीज हो तो रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। ऐसे ही है ना, दो तरह के रिलेशन होते हैं, इससे पहले वाला इन्वर्स था, अब ये डायरेक्ट है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसी को देखते हुए, अच्छा फिगर अगर हम दूसरी बनाएं इसके साथ सेकंड पैरामीटर, तो वो किस तरह से हम बना सकते हैं, उसमें टेम्परेचर T1 से T2 पे जाएगा, ठीक है, और यकीनन आप फिर कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो टेम्परेचर T1 से कहाँ चला जाएगा, T2 पे, और पिस्टन जो है वो कुछ ऊपर की तरफ मूव करके जाएगा, और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करके जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस जो है एक्सपेंड हो रही है, तो यहाँ पे जो इसका सेकेंड पैरामीटर मिलेगा वो आपको V2 मिलेगा, और जो टेम्परेचर है वो T1 से कहाँ चला जाएगा, T2 पे, जबकि प्रेशर कांस्टेंट रखा जाएगा, वो सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, कि किस तरह से हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो वो जब हम आगे, कल भी मैंने उसका तस्करा किया था, हमारे पास आगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस है,
वो जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे, चार प्रोसेस हैं, तो वहां पे हम बहुत डिटेल से बताते हैं कि किस तरह से प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, किस तरह से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, या हीट को कांस्टेंट रखेंगे, तो वो सब चीजें वहां पे हम डिस्क्राइब भी करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तो P1 पहले था, अब भी P1 रहेगा, तो प्रेशर को तो बिल्कुल आप यानी कि यूं करें कि इग्नोर कर दें। तो आपने दो चीजों को देखना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। ये फिगर भी मैंने ही रब कर रहा है, यहाँ से स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद मैथमेटिकली आगे चलेंगे। तो स्टेटमेंट इसकी क्या बनेगी, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, इफ प्रेशर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है, अगर प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दिया जाए तो। बड़ी आसान सी बात है, मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये मैं सामने लिख रहा हूं, यहां से आप भी देखेंगे। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा जब तक आप ये लिख लें, अजान हो रही है तो मैं अजान के बाद शुरू करता हूँ, ठीक है। सरमाए कौन है मेरे? अच्छा, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल्स टू देन कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट के बाद आप क्या लिख देंगे, टी टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर को यहाँ डिवाइड में ला सकते हैं हम, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, V ओवर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, V ओवर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, डिफरेंट सेट्स ऑफ रीडिंग के लिए, जैसे दो तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, प्रेशर तो इसमें कॉन्स्टेंट है, उसको तो हमने छोड़ दिया, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट सेट्स ऑफ रीडिंग के लिए इसको देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3 एंड सो ऑन। सब के सब इक्वल भी होंगे और इन सब की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, इन सब की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे साथ लिखेंगे, फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ रीडिंग्स चार्स लॉ कैन बी गिवेन एज,
तो फिर हम 400 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन। जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो सब की सब एक कांस्टेंट वैल्यू आपको देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका भी ग्राफ बनेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर में। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, अब इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो सकता है कि देखें टेम्परेचर माइनस में भी जाता है, ठीक है, ये जहन में रखेंगे कि टेम्परेचर माइनस में भी जाता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर को रख रहे हैं और वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा उसको यहाँ रख रहे हैं, सपोज करें ऐसे करके, ठीक है। ये वॉल्यूम यहाँ पे लिख दिया हमने, वॉल्यूम और ये क्या है टेम्परेचर। और टेम्परेचर में लेट सपोज ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री से राइट साइड पे आए, यहां पे 0, लेट सपोज ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे आप देखते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इसके आगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ इस तरह से बात चल रही है, ठीक है। यहां पे माइनस साइड पे फिर आएंगे 0 से इस तरफ -1 -2, तो ये जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज कर लें, फिर इसी तरह से -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन, इस तरफ माइनस का जो है ना वो वैल्यू और टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा, अब वॉल्यूम यहाँ पे चल रहा है, वॉल्यूम को हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। जी जी बेटा, सवाल करें। उनकी तरफ से क्वेश्चन है या मेरी आवाज पहुंच नहीं रही? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही? मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? बेटा मेरी आवाज आ सर, रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल भी नहीं आ रही। आ रही है बेटा, थोड़ा सा अपने वो कनेक्शन को चेक कर लीजिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स हैं उन सबको आवाज आ रही है। तो आप या तो हैंड्स फ्री यूज करें, हैंड्स फ्री यूज कर रही हैं आप? सर आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस बच्ची को आवाज नहीं जा रही, तो वहां पे सर चैट में इनको बता दें कि क्या इशू है। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर को हमने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन में जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो लेट एक स्ट्रेट लाइन जरा ड्रॉ करते हैं। तो ये देखें, सपोज करें ये हमारे पास प्लॉट करने के बाद कुछ ही हमारे पास इस तरह से लाइन आई। अब इसमें देखिए डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं आपके पास, एक ये सपोज करने, ठीक है, पहली पहली रीडिंग हमें यहाँ पे मिली। तो यहाँ पे अगर हम आके देखें तो ये देखें ये टेम्परेचर की वैल्यू है, जबकि यहाँ पे ये वॉल्यूम है। फिर नेक्स्ट रीडिंग यहाँ पे ले लें, जब यहाँ पे आए तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, माइनस से फिर हम 0 को क्रॉस करते हुए कहाँ चले गए, प्लस साइड पे। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेट सपोज यहाँ पे हम आए, तो वॉल्यूम की ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से कोई तीसरी वैल्यू अगर हम कंसिडर करें, तो ये जो थर्ड वैल्यू है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, वॉल्यूम फर्दर इंक्रीज हुआ। तो इसमें हमने देखा क्या, इसमें ये देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। ग्राफ यही बता रहे ना, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। तो डायरेक्ट रिलेशन में कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे आप एक वैल्यू को इंक्रीज करते हैं दूसरी भी इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, यहां तक जो बातें हुई है इसको नोट कर लें। पहली रीडिंग को आप यहाँ पे बता सकते हैं, इट इज बी वन
ठीक है, V1 और T1 के लिए आपने प्लॉट किया है, सेकंड में आपने V2 और T2 को प्लॉट किया है, थर्ड में यहाँ पे V3 एंड T3 को प्लॉट किया एंड सो ऑन। ग्राफ है तो ग्राफ दोनों तरफ चलता है, ठीक है, इस तरह से आप एरो भी शो कर सकते हैं, तो ये नोट कर लीजिए यहाँ पे। नोट कर लिया ये। अच्छा देखें, ये जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जब भी हमने डिस्कस किया है, इसी की हेल्प से हम जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं उसका स्टार्ट जो है ना ले लेता हूँ, तो अगली क्लास में उसको डिराइव भी करेंगे। तो इनका ये जो रिलेशन है इसका, जनरल गैस इक्वेशन का, ये बेसिकली बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके हमें मिलता है। तो मैं बोर्ड यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक के उसमें क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे जनरल गैस इक्वेशन में, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आए तो आसानी से हम बात जो है ना वो शुरू कर सके। तो अच्छा देखिए, हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, क्योंकि गैस के लॉज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जनरल गैस इक्वेशन को हम डिराइव कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक जो हमारी सपोजिशन होगी नेक्स्ट क्लास में वो ये है कि एक क्लोज कंटेनर आप कंसिडर करेंगे, और इस क्लोज कंटेनर में गैस इनक्लोज्ड है, और लेट सपोज ये इनिशियल पैरामीटर्स हैं इसके, ये आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू V1, और प्रेशर जो है वो कितना है P1, और टेम्परेचर T1। अब ये तो इनिशियल पैरामीटर्स आ गए गैस के, ठीक है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, और टेम्परेचर कितना है T1 है। अब इसके बाद हमने सबसे पहले, देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, किसे, टेम्परेचर को सर्कल कर रहा हूँ, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे हम। बॉयल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रखी थी, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था ना। तो यहाँ पे अब हम सेकंड पैरामीटर पे जब जाएंगे, जो कि फाइनल पैरामीटर हम कंसिडर करेंगे, उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। जब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे तो फिर वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, जैसे वो हम पढ़ चुके हैं बॉयल्स लॉ में कि क्या रिलेशन आपस में बनता है इनका।
तो जब हम प्रेशर को लेट सपोज डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो सेकंड पैरामीटर हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से हम उसके नाम रख देते हैं। देखें, प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करते हैं और टेम्परेचर सेम रहे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू फिर क्या मिलेगी, T1, क्योंकि कांस्टेंट है। वॉल्यूम V1 से लेट सपोज इसका नाम हम रख देंगे V प्राइम, ये डैश लगा दिया मैंने चेंज करके, क्योंकि एक तीसरा पैरामीटर भी है, ठीक है। तो V1 इसको नाम दे दिया V प्राइम, और प्रेशर P1 से कहाँ चला गया, P2 पे चला गया। प्रेशर जो है वो P2 पे चला गया यहां तक। अच्छा, ये बातें समझ में आ जाएंगी, हम नेक्स्ट वीक इसी को स्टार्ट करेंगे। यहां पे हम अप्लाई करेंगे बॉयज लॉ, यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, बॉयज लॉ, ठीक है। अगली क्लास में याद रखिएगा ये, अपने पास ये बना लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे हम बॉयज लॉ को अप्लाई करेंगे अपनी अगली क्लास में। और इसके बाद जो थर्ड पैरामीटर आएगा उसमें क्या करेंगे, थर्ड केस में ये इनिशियल पैरामीटर होगा, फाइनल एक और हो जाएगा। नेक्स्ट में जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, अब प्रेशर कांस्टेंट होगा, पहले मैं क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, अब प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, इसको मैंने सर्कल कर दिया। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो प्रेशर की यही वैल्यू मिलेगी आपको नेक्स्ट पैरामीटर में भी, ठीक है। प्रेशर आपके पास P2 था, P2 रहेगा।